मेरे सभी दोस्तों को एक नई वीडियो में वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज मैं अपने खेतों में सब्जियां दिखा रहा हूं, क्या क्या सब्जियां लगी हुई हैं। तो चलिए दिखाते हैं, और मेरे गांव का नज़ारा भी आप देखिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो पहले नंबर ये देखिए, ये लाल पन्ना आलू मिले हैं। तो देख सकते हैं, किसका ऐसे जमीन से इसको ओ निकाल रहे बाबू हैं। अभी कुछ इसकी फसला सब्जी लिया बनेगी, है तो अभी हम बाकी निकाल रहे निकले हैं। हैं बाकी सारे किलो खा आलू अभी निकाल लो खेत बस में ही यार। हैं। अभी इनको निकालेंगे नहीं, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इनमें मिट्टी में ही इन्हें दबा रहने देंगे, और फिर इसको जब मार्केट हमें जाना होगा तो इनको निकाल के बोरे में पैक करके मार्केट भेजेंगे। तो अभी तो हम अपने घर के लिए ले रहे हैं, तो घर की उगाई हुई किसी चीज़ों का और के खाने का पौधों में कुछ लगा मज़े ही दिया कुछ और है। ये आप सभी गार्डनर लोग जानते होंगे, जितने लोग बागवानी करते हैं। तो ये देखिए, लाल आलू है। लाल आलू बहुत अच्छा आलू रहता है। तो अभी हम सारे आलू यहाँ से निकालते हैं, 4 से 5 किलो। और ये देखिए, ये मेरा गांव का एक दोस्त है, और ये भी निकालने में आलू लगा हुआ हाथ से ही। तो देखिए, इसे भी बड़े मज़े आते हैं अपने हाथ से आलू निकालने में। तो आलू मिट्टी में, जो रेतीली मिट्टी होती है, उसी में आलू बहुत अच्छे से होता है। तो ये चीज़ बताइए, क्या चीज़ है ये लोग? अगर आप लोगों ने इसको देखा हो तो ज़रा बताइए, मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा देता हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्या चीज़ है, और ये बता दूँ इसकी सब्ज़ी बनती है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं, और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चीज़ है। तो दोस्तों, ये है हमारे खेत के नज़ारे, और आपको दिखा देते हैं इधर। ये हम ले जा रहे हैं, इसमें आलू भरेंगे। तो देखिए, आलू बहुत सारे यहाँ पे निकल गए हैं, तो हम इसी में आलू भर लेंगे। तो चलिए, आपको अपने खेत का और नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो आपको बहुत लेट मिल रही हो। इस समय फरवरी का टाइम चल रहा है ये, जबकि वीडियो है। अगर आपको लेट मिल रही हो तो कोई बात नहीं, बस आप नहीं वीडियो ये को भी देख के टेंशन एंजॉय ले लो कीजिए, और अपने गांव की और क्या यादों को ताज़ा सारे और कीजिए। तो ये देखिए, गांव का कुछ एक अलग ही माहौल होता है, खुशनुमा। एक चेहरे पे अजीब एकदम खुशी आती रहती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ज़्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक, शोर शराबा नहीं है। चिड़ियों की चहचहाट और कोयल की कुकुहाट से दिल, समझ लो, प्रसन्न हो जाता है। तो इधर देखिए, एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये प्याज है। जो प्याज है ना प्याज ये। होता है, ओनियन, ये उसके सीड यहाँ पे लगाए जाते हैं। फिर उसके एक एक पौधे उखाड़ के और इनको अलग अलग लगा दिया जाता है, फिर इसमें से प्याज तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे अलग अलग हमने लगाए हैं, देख सकते हैं। ये चुटकी से लगाना है, फिर कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने पे ऐसा हो जाता है। फिर एक टाइम आएगा, ये ऊपर के सारे पत्ते सूख जाएंगे, नीचे हमारा प्याज जो है वो तैयार हो जाएगा। और देख सकते हैं, यहाँ पे अभी लगाया जा रहा है। तो देख सकते हैं, ये फरवरी का टाइम है और इस समय इस प्याज को लगाया जा रहा है, और इनका कहना है ये अप्रैल तक तैयार हो जाएगा प्याज। फिर इसको मार्केट ले जाके हम बेच सकते हैं। तो दोस्तों, किसानों की यही लाइफ होती है। तो किसानी करने में दोस्तों बहुत मज़ा आता है, जब हम अपने छत पे बागवाता, उसी तरह किसान जब अपने खेत में मेहनत करता है तो उसका एक अलग ही आनंद है, और अपनी मेहनत से फसल उगाता है। तो ये देखिए, इस समय चारों तरफ खेत में आलू आलू है, गेहूं है, और शकरकंद है, जिसे स्वीट पटेटो कहते हैं। तो ये देखिए, चारों तरफ फसली। तो चलिए, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, आलू। तो इस ज़मीन के नीचे जो आप बड़ी बड़ी ये मेड़े देख रहे हैं, इनमें आलू दबे हुए हैं। एक एक मेड़ में मेरे हिसाब से 100 किलो आलू होगा। तो ये आपको देखने में लग रही हैं, ये छोटी हैं, पर इनमें आलू भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, ये देखिए,
इधर गेहूं है तो देख सकते हैं क्या नज़ारा है। यहाँ देखिए एकदम हरियाली छाई हुई है और गेहूं अभी बाली पे है और कुछ दिनों बाद ये बाली जो है कि पीली हो जाएगी। पीली होने के बाद ये फिर एकदम सूख जाएगी तो इसमें हमारा गेहूं तैयार हो जाएगा और फिर वो मार्केट जाता है और फिर हमारे रसोई तक आता है आटा पीस के। तो देख सकते हैं इधर सरसों भी है। तो दोस्तों ये फरवरी का टाइम है, आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी ओस भी गिरी हुई है और देखिए सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है, दिल को सुकून देने वाला होता है। तो दोस्तों आप भी अपने गांव में आइए और इन्जॉय कीजिए। तो इधर देखिए इधर खेती हो रही है। तो हाँ चलिए भाई दोस्तों भाई भाई, आपको दिखाते जाकर जा हैं रहे पानी दूसरी पे, तरफ आए का तभी भाई नज़ारा। कोई जा तो तो कहेगा ये भाई चल जा। देखिए इधर ये जो गाय के गोबर से कंडे बनाए जाते हैं जिसे ओपले कहते हैं वो इनमें रखे गए हैं, जो आपको ये घर दिख रहे हैं। इससे बरसात में ये भीगे ना चलो तो उसमें यही सब रखा हुआ है। और मैं अभी तो चलते हैं सुकून हम मिल रहा लोग हूँ इधर, आज। थोड़ा अपने घर के तरफ चलते हैं। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए इधर भी देखिए ये कंडे रखे हुए हैं, आप अब पहचान गए होंगे। आपके इधर क्या कहते हैं इनको ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हम चलते हुए अपने घर के तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों दिन भर हम लोग घूमते हैं, अभी शहर जाने के बाद फिर हम अपने डेली काम में बिजी हो जाएंगे और अभी गांव में आए हुए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। तो देखिए गांव का कुछ ऐसे ही गलियां होती हैं, कुछ इसी तरह के घर होते हैं। आपके गांव में कैसे घर और गलियां हैं ज़रूर बताइए, यहाँ ऐड लगा रखे हैं ये लोग। और ये देखिए कुछ कच्चे घर भी यहाँ पे हैं, कुछ पक्के घर भी हैं। ये ऐसा नहीं मुझे पता है किस तरह से है, ये कच्चे घर भी कुछ है। इधर देखिए ये मिट्टी के घर बने हुए हैं। तो दोस्तों अभी भी मिट्टी के घर हैं और ये देखिए आप मिट्टी के घर देख सकते हैं। तो दोस्तों शहर से बिल्कुल हटके हैं, यहाँ पे उतनी सुविधाएं हमें नहीं मिलती जितनी हमें शहरों में मिलती हैं। पर कुछ भी हो शहर से बहुत अच्छा मुझे यहाँ लगा है, क्योंकि यहाँ शोर बहुत कम है और एकदम नेचुरली चीजें यहाँ पे हैं। सुबह उठो और यहाँ पे हमने अपने घर में ही भैंस गाय पाल रखी हैं तो सुबह सुबह उसी में लग जाते हैं। और इधर देखिए ये हमारी टीम है तो यही मुझे गांव घुमाने ले जाते हैं सुबह। और इधर देखिए ये कौन है, गांव के प्रधान है शायद, तो जो भी हो वो यही लोग जानते होंगे। मैं तो यहाँ एक हफ्ते के लिए आया हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने शहर दिल्ली वापस जाऊँगा यहाँ से। और फिर देखेंगे कभी टाइम मिलेगा तो फिर यहाँ पे आना होएगा। और यहाँ की यादें मैं अपने जो है कैमरे में कैद करके ले जा रहा हूँ। तो ये हमारे भाई हैं बुला रहे हैं। तो ये देखिए गांव के घर कुछ इस तरह के घर देख सकते हैं। देखिए गांव का बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं आपको। आपने घर का तो देख लिया, बाहर का देखिए ये गाय है, वो सॉरी गाय भैंस हैं ये, और गाय दूसरी तरफ बंधी हुई है वो भी आपको हम दिखाएंगे। और अब शाम होने वाली है, पूरे दिन हम लोग घूमते रहे। ये देखिए ये गाय हैं और देख सकते हैं ये हमारे आंगन में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं और ये गाय खाना खाने में बिजी हैं। और अभी सूरज ढलने वाला है तो ये खाना खाने के बाद आराम करेंगे और हम भी सोएंगे जाके। पूरे दिन हम लोग घूमते रहे, खेत घूमने गए, नदियों पे गए। तो आपको वीडियो मिलेंगी पर ये नहीं पता ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आपको कब मिले। तो बस आप इन्जॉय कीजिए वीडियो देख के और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने में मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम ला सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी बागबानी को भी देखभाल करते रहिए और हमारी
जो दुनिया है इसको हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं ताकि हरियाली रहे और हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे। तो फिर आपको जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।